डिजिटल रैली करना है, हाँ। जितना फेसबुक, हाँ। या व्हाट्सएप, जितना आपको पेपर मीडिया, जितना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का यूज करना है, जितना आपको आपको ताकत लगाना है लगा लीजिए। ये 2020 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये गरीब गरीब गुरबा का सरकार बनने के लिए जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। कल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो कल वर्चुअल रैली संबोधित करेंगे, बिहार के 1,00,000 लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपनी संदेश पहुंचाएंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव जो ठहरा, लेकिन कोरोना के जंग में राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनावी जो है वो तर्कस में जुट गए हैं। हमारे साथ खास बातचीत में आरजेडी के विधायक है चंदन राम जी, जो है खगड़िया के अलोली से विधायक आरजेडी के हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से जनता समझ चुकी है सारी बात को, अब बीजेपी की सरकार हो या जदयू की सरकार हो, एलजेपी की सरकार हो, बिहार में नहीं आने जा रही है। इसलिए कि इतना दिन तो आपने राज किया ना, 17 साल राज किया, 17 साल में आपसे स्वास्थ्य का हालात ठीक नहीं हुआ, शिक्षा का हालात नहीं ठीक हुआ, और कृषि से संबंधित जो होता है आप पूरे बिहार में जाके देख लीजिए, कब खाद समय पर मिलता है, कब, उसके बाद रोजगार अभी जो इतना लोग 40,00,000 लोग जो बाहर थे, मैं पूछना चाहता हूँ 40,00,000 लोग जो बाहर थे क्यों, किस लिए? अगर आपके राज्य में फैक्ट्री उद्योग धंधा अगर यहाँ रहता तो बाहर लोग क्यों जाते? ऑल डिपार्टमेंट में बहुत सारा पद खाली है, टीचर का पद खाली है, पुलिस बल का पद खाली है, राजस्व कर्मचारी का पद खाली है, या जितना भी होता है सब डिपार्टमेंट का सारा चीज खाली पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसको आपने समय पर भरने का काम क्यों नहीं किया? लोगों को रोजगार तो यहाँ सब चीज उपलब्ध है, सिर्फ आपका मन नहीं है, आपका गरीबों के प्रति जरा सा भी दर्द नहीं है। जिस दिन आपको दर्द हो जाएगा गरीबों के प्रति, उस दिन अब क्या दर्द होगा? आप तो अब हो गया, अब समय समाप्त है, अब आप सिर्फ देख लीजिएगा चुनाव। नीतीश कुमार जी का विदाई कर देंगे? हाँ हाँ, विदाई तो हो गया, करेंगे क्या, विदाई तो कोरोना से पहले, कोरोना जब से कोरोना वाला ये हुआ, इससे पहले सृजन घोटाला हुआ या बालिका गृह कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, बहुत सारा आप पटना जाके देखिए, सारा मुद्दा सर हम क्या घेरेंगे, जनता खुद घेर रही है, जनता सब चीज समझ चुकी है। अब आप जितना डिजिटल रैली करना है, रविकांत जी, जितना डिजिटल रैली करना है, जितना फेसबुक या व्हाट्सएप, जितना आपको पेपर मीडिया, जितना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का यूज करना है, जितना आपको आपको ताकत लगाना है लगा लीजिए। ये 2020 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये गरीब गुरबा का सरकार बनने के लिए जा रहा है। आप झारखंड का ले लीजिए, बगल में झारखंड में देखे हैं ना, वहाँ क्या यानी क्या कल पूरा तैयारी है, आप थाली पीटे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम अपने खगड़िया वासियों को भी, पूरे खगड़िया जिला वासियों को और अलौली विधानसभा क्षेत्र वासियों को भी खास करके कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार ने छल करने का काम किया है, गरीब गुरबों को सताने का काम किया है, गरीब गुरबों को भूखा रखने का काम किया है, उसके विरोध में कल 7 तारीख को 11:10 तक सब लोग वो जो डिजिटल रैली कर रहे हैं अमित शाह जी, उनके विरुद्ध में अपने अपने घरों पे रह के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग थाली पीटने का काम करेंगे, सब लोग थाली पीटने का काम करेंगे। और जो हम लोगों को दिशा निर्देश ऊपर से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने देने का काम किया है, और उस उनके बातों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जनता पूरी तरह से कल जो है हमको जैसा लग रहा है सब जगह से मैसेज आ रहा है, लोग खुद फोन करके कर करके हमको पूछ रहे हैं कि कल क्या करना है, कितने बजे क्या, एकदम पूरा एग्रेसिव तैयारी है, पूरा तैयारी है। कल देख लीजिएगा, आप भी थोड़ा सा वाच कीजिएगा। और चलिए उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे चंदन राम जी, थे आरजेडी के विधायक है अलौली विधानसभा से, और पूरी तैयारी किए हुए हैं, और नीतीश कुमार की विदाई को लेकर तमाम उन मुद्दों पर बमक रहे नीतीश कुमार पर। बहरहाल देखते रहे बोलता खगड़िया, अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया।